वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। हमें ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स इसलिए जानना जरूरी है कि हमें ये पता रहे कि जो रॉक से बनने वाला बिल्डिंग स्टोन है वो हम यूज करना चाहते हैं तो कहाँ पर यूज और किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहता है कि जिस बेसिस पर, जिस मोड ऑफ फॉर्मेशन में उस रॉक का रहा है, उस फॉर्मेशन के मोड के बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई करें। इस क्लासिफिकेशन में हमारे पास तीन मेन ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप है इग्नियस रॉक्स, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। तो अब देखें कि इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं। इग्नियस रॉक्स के वर्ड से ही हमें समझ में आएगा कि ये डील करता है इग्निस से, मतलब फायर से। अगर आप देखें तो हिंदी में भी अग्नि होता है और उसका मतलब होता है फायर। तो इग्नियस रॉक्स मतलब ऐसे रॉक्स जो फायर से बने हो, दैट इज मोल्टन लावा या मैग्मा से बने, हॉट लावा से बने हुए हैं। तो जब ऐसे हॉट लावा जब ठंडा होता है, क्रिस्टलाइज होता है, नेचुरल प्रोसेस से कूलिंग होता है, देन उन रॉक्स को हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। ये बहुत अबंडेंट है, अर्थ क्रस्ट पे डेप्थ वाइज मिल जाते हैं हमको बहुत सारे, और इनको फर्दर हमने और क्लासिफाई किया है सब क्लासेस में जो कि उनकी डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए अगर बहुत डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट है तो देन दे आर नोन एज प्लूटोनिक रॉक्स। सच रॉक्स हमें आप मिलते कैसे इतनी डेप्थ में रहते हैं, तो या तो हम क्वेरी डीप में जाके बनाएंगे और लेके आएंगे, या वो सरफेस इरोजन से बाद में बाहर में पैसेज ऑफ टाइम के साथ में हमें वो नजर आते हैं, उन्हें यूज करते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोर्सली क्रिस्टलाइन होते हैं। इन बड़े बड़े क्रिस्टल पहले बनते हैं और बाद में वो क्रिस्टल जो है साथ में ज्वाइन टुगेदर होते हैं, और इनको आप विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लासेस इन क्रिस्टल को देख सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। जब आप ग्रेनाइट के स्टोन को स्टडी करेंगे उसमें आपको बड़े बड़े पार्टिकल कोर्स ग्रेन दिखेंगे, और ऐसा कोर्स ग्रेन अगर किसी स्टोन में रहता है तो वो एक प्लूटोनिक रॉक का ओरिजिनेटेड स्टोन है। दूसरा होता है इसका जस्ट ऑपोजिट, दैट इज वॉल्केनिक रॉक। इनको हम एक्सक्लूसिव भी कहते हैं, और जो प्लूटोनिक रॉक है उनको हम इंट्रूसिव कहते हैं क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट के अंदर उनका फॉर्मेशन हो रहा है, कूलिंग हो रही है और रॉक फॉर्मेशन हो रहा है। और वॉल्केनिक रॉक्स को हम कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स क्योंकि ये अर्थ सरफेस के ऊपर लावा के फॉर्म में निकलते हैं, और जब भी वॉल्केनो इरप्ट करता है टाइम टू टाइम तो वो लावा बाहर आता है, कूल डाउन होता है और फिर उसके बाद वो स्टोन के फॉर्म में बनता है। और जब उसका हम कोई एक पार्ट यूटिलाइज करते हैं जो कि किसी कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर में यूज हो रहा है, देन दे आर नोन एज वॉल्केनिक रॉक्स। इसके बेस्ट एग्जाम्पल है बेसाल्ट और ट्रैप जो कि हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, और इनका जो क्रिस्टल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है या जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है इसमें बहुत बहुत ही छोटे फाइन ग्रेन्स बनते हैं जो हमें केवल और केवल माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी कर सकते हैं, ऐसे नेकेड आई से हमें नहीं दिखेगा। इसी में इन दोनों के बीच में एक लेयर बनती है जो कि हाइपरबेसल रॉक्स कहते हैं। प्लूटोनिक रॉक्स हो गए बहुत डीप अर्थ क्रस्ट में और वॉल्केनिक हो गए एकदम टॉप में, और इनके बीच में जो कि नियर टू सरफेस है ऐसी पोजिशन में जो रॉक्स फॉर्म होते हैं जो कि इग्नियस रॉक्स हैं उनको कहते हैं हम सब वॉल्केनिक और हाइपरबेसल रॉक्स। ये जो है इनके ग्रेन्स फाइनर होते हैं एज कंपेयर टू वॉल्केनिक रॉक्स, और ये थोड़ा सा अनकॉमन होते हैं, लेकिन ठीक है उनको हम कंस्ट्रक्शन में अगर यूज होते हैं तो हम मिलते हैं तो यूज कर लेते हैं इनको, और इनका जो ऑकरेंस है आपको इस फिगर में क्लियरली नजर आएगा। नेक्स्ट जो रॉक है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब अगर हम इस वर्ड सेडिमेंट्री को स्टडी करें तो उसमें एक वर्ड है सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब पार्टिकल जो सेटल डाउन हो रहा है। तो यही हमारी रॉक फॉर्मेशन का बेसिस है कि जो रॉक्स जो है जो पार्टिकल जो है सेडिमेंट जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं और उनको मिला के जो रॉक बनता है दैट इज टर्म्ड एज सेडिमेंट रॉक। तो अब कैसे ये पार्टिकल्स निकलते हैं, तो जब नेचुरल प्रोसेस में रॉक डिसइंटीग्रेट होता है जो वेदरिंग होती है उसमें या इरोजन के थ्रू होते हैं, तो ये पार्टिकल्स जो है नेचुरल एजेंसीज के थ्रू, कौन सी नेचुरल एजेंसीज, जैसे कि रिवर में वाटर, एयर
या स्नो इनके साथ मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और किन किसी किसी जगहों पर जाके ये डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे कि रिवर बेड में कोई लेक का बेसिन हो, सी हो, ओशन हो, उनका बॉटम हो, यहाँ पे जाके इकट्ठे होते जाते हैं एंड आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर ये ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर से कंप्रेस होते हैं और अपने वेट से भी कंप्रेस होते हैं और हार्ड मासिव रॉक में तब्दील हो जाते हैं। इसमें ये भी देखने वाली बात है कि इसमें कई बार कैलकेरियस मटेरियल होता है, कई बार ऐसा मटेरियल होता है कि जो इनको सीमेंटिंग कर ले, तो सीमेंटिंग मटेरियल भी साथ में प्रेजेंट रहता है वहां पर और ये पार्टिकल्स भी रहते हैं, तो ये सालों में कई सालों में मिलकर जो है एक सेडिमेंटरी रॉक फॉर्म हो जाते हैं। अब सेडिमेंटरी रॉक्स के अगर देखना चाहें तो हम उसके भी आगे आगे सब ग्रुप्स हैं जो कि हमें सेडिमेंटरी रॉक्स का टाइप डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगे। तो वो उस तरह से तीन क्लासेस बनती हैं, कास्टिक रॉक्स, केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स एंड ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। तो अगर आप देखेंगे सेडिमेंटरी रॉक्स जो है उसमें लेयर्स रहती है और जो आपको फिगर में यहाँ पर नजर आएगी, और अगर आप देखें कास्टिक रॉक्स, कास्टिक रॉक्स कैसे बन रहे हैं। अब कास्टिक रॉक्स का ये बेसिक नेचर होता है कि जब अलग अलग डिसइंटीग्रेटेड सेडिमेंट्स और फ्रैगमेंट्स रॉक्स के जब आएंगे और वो इकट्ठे हो जाएंगे लेक में, सी बेसिन में, तब उस केस में ये जो है उनका जो फॉर्म होगा स्टोन उनके सीमेंटेशन से इन पार्टिकल के, दैट इज नोन एज कास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, शेल्स, ब्रेसियाज एंड कॉन्ग्लोमरेट्स। सैंडस्टोन जो है वो सिलिका ग्रेन से बना होता है, सिलिका मतलब स्टोन का पार्ट, दे उनको सबको कॉम्पैक्ट कर ले, नेचुरल इन्वायरमेंट में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छा ही बिल्डिंग स्टोन बनता है। और आप देखेंगे कि ऐसे स्टोन्स भी बहुत सारे एमपी में बहुत प्रेजेंट हैं, भोपाल के आसपास बहुत प्रेजेंट है, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको कास्टिक रॉक्स के दिखेंगे। जो नेक्स्ट सब क्लास है सेडिमेंटरी रॉक्स की, उसमें है केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। अब जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि केमिकली फॉर्म्ड हुआ है, मतलब किसी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में हमें प्रेसिपिटेट मिला है और उस प्रेसिपिटेट जो डिपॉजिट हो गया नीचे आके किसी रिवर के बेड में, लेक में और सी वाटर में, तो वो प्रेसिपिटेट जो है जब वो केमिकली बॉन्ड हो जाता है तब जो स्टोन बन के आता है, दैट इज नोन एज केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। तो कई बार ये होता है कि वाटर जो है वो इवोपरेट हो जाता है, जैसे सी में देखोगे आप कि बार बार वाटर इवोपरेट हो रहा है और कुछ केमिकल्स जो प्रेजेंट है सी वाटर में वो उसी में रह जाते हैं और वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि वाटर जो है बहुत सैचुरेट हो गया किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड से विथ पैसेज ऑफ टाइम, कि बार बार उसमें एक तरह का कंपाउंड ऐड होता जा रहा है नेचुरली और वो उसमें बहुत ज़्यादा हो गया कंटेंट, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और उसमें जो प्रेसिपिटेट है उनका ह्यूज एक्यूमुलेशन हो जाएगा और बाद में वो एक कंसिडरेबल टाइम के बाद वो एक रॉक डिपोजिशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम देखें एग्जाम्पल्स कि इस तरह के रॉक्स कौन से हैं, तो बेस्ट एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, जिप्सम, एनहाइड्रेट एंड रॉक सॉल्ट। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस के बाद फॉर्म होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स में तब्दील हो जाते हैं, और इनमें से कई स्टोन्स हैं जो कि बिल्डिंग्स में यूज होते हैं। और नेक्स्ट टाइप का जो सेडिमेंट्री रॉक है वो है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। अगर आप देखेंगे कि हमें पता है कि 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, जिसमें सीज और ओशंस हैं, और इन सब के अंदर बहुत सारी वैरायटी की लाइफ एग्जिस्ट करती है, चाहे वो फ्लोरा के फॉर्म में हो, चाहे वो फौना के फॉर्म में हो, चाहे वो पेड़ के फॉर्म में, पेड़ पौधों के फॉर्म में जो अंडर वाटर है, या फिर वो कोई सी एनिमल्स के फॉर्म में है। तो ये जब है इनके जो जब इनकी डेथ हो जाती है और इनके हार्ड पार्ट जो हैं, जैसे एग्जांपल बोन्स हैं, सी शेल्स हैं, जब ये मिल जाते हैं तो इनका ये जो है बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्स होता है, जब ये एक्यूमुलेट होते हैं सी फ्लोर पर और धीरे 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 इनका लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होता है, तो ये पासेज ऑफ टाइम के साथ दे फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स विच हैव ऑर्गेनिक ओरिजिनेशन, तो उनको कहते हैं हम ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो है इनका अगर हम देखें कि बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो आप देखोगे लाइमस्टोन इनका बेस्ट एग्जांपल है, जो कि कई सारे माउंटेन्स में पाया जाता है हिमालयाज में।
तो आप देखो पहले ये कंसिडर किया गया था, ये थ्योरी है जो कहती है कि पहले हिमालय जो था इट वॉज सबमर्ज, और बाद में जब नीचे वाला सब इंडियन कॉन्टिनेंट का प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराया तो उस पर हिमालयन का फॉर्मेशन हुआ। तो क्योंकि जब ओशन के अंदर था तो इट वॉज अंडर द अंडर वाटर, और वहां पर ऑर्गेनिक लाइफ थी जो कि बाद में जिनके बोन से वहां पे स्टोन का प्रोबेबली फॉर्मेशन हुआ। और जब हिमालय बन गया तो हिमालय में आपको स्टोन जो मिलेगा वो लाइमस्टोन मिलेगा। तो अगर मासिव टाइप है लाइमस्टोन का तो दे आर वेरी गुड बिल्डिंग स्टोन्स। तो आप देखिए इस फिगर में आपको नजर आ रहा है कि शेल्स हैं, वो शेल्स जो है वहां पे एम्बेडेड हैं और उनकी सीमेंटिंग जब हुई है देन दे हैव फॉर्म द ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसमें है मेटामॉर्फिक रॉक का, जो कि एक जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट है। हमने दो पढ़े अभी, पहला था इग्नियस रॉक्स, फिर हमने देखा सेडिमेंट्री रॉक्स, और अब जो हमारे पास है नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ अगर आप देखेंगे इसमें आप दो वर्ड मिले हैं, एक है मेटा और एक है मॉर्फिक। तो मेटा का मतलब होता है चेंज होना और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म का चेंज, फॉर्म। तो अगर किसी का फॉर्म चेंज हो जाए स्टोन का किसी भी कंडीशंस में, एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी बन जाए कि उसका जो ओरिजिनल रूप है, ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज हो जाए, तो उस तरह के कंडीशन में जो नया स्टोन फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो ओरिजिनली देर आर सम इग्नियस रॉक्स एंड सम सेडिमेंट्री रॉक्स, और उनका जो ऐसे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हुए जैसे बहुत ही हाईली इंक्रीज टेम्परेचर हो गया, या एकदम से बहुत हाई प्रेशर आ गया उनके ऊपर, या कोई पर्टिकुलर केमिकल एनवायरमेंट उनके पास आ गया, तो जो ओरिजिनल इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं और एक नए तरह के स्टोन में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है इंक्रीज टेम्परेचर, स्ट्रेसेस और केमिकली एक्टिव एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है, इसमें जो ओरिजिनल रॉक था और जो न्यू रॉक फॉर्म्ड है इसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट हो जाती है। तो इस तरह के रॉक फॉर्मेशन को हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म, और जो रॉक बनता है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो आप देखेंगे उसका बेस्ट एग्जाम्पल है मार्बल, कि जब लाइमस्टोन है वो जब ग्रेट अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर में रहता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है मार्बल में। तो लाइमस्टोन के अलग प्रॉपर्टीज हैं और जो नया स्टोन बना मार्बल उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। सिमिलर एक एग्जाम्पल है इसमें शेल का, शेल जो है एक सेडिमेंट्री रॉक है और जब वो कंबाइंड एक्शन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर होता है और केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स के अंडर में आता है तो एक नया मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है स्लेट। देन ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको फिगर में दिखेगा कि स्लेट है एंड दूसरे मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जिसमें ग्रेनाइट भी दिख रहा है, सॉरी जिसमें हमें मार्बल दिख रहा है। नाउ अब इसमें भी फर्दर सब क्लासिफिकेशन होते हैं कि कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक है। तो हाँ उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर देखें कि कौन सा, वो कैसे मालूम पड़ेगा कि चेंज ऑफ ओरिजिनल रॉक जो हो रहा है तो हम देख सकते हैं कौन सा टाइप का एजेंट उस पर ऑपरेट कर रहा है। क्या वो एजेंट टेम्परेचर है कि प्रेशर है कि केमिकली एक्टिव फ्लूइड है, फिर ड्यूरेशन क्या है उसका, कितने देर तक वो उस पर ये एजेंट वर्क कर रहा है। देन नेक्स्ट की जो ओरिजिनल रॉक है उसका नेचर क्या था, उसका कंपोजिशन क्या था, तो इसके बेसिस पर अलग अलग तरह के मेटामॉर्फिक रॉक हमें मिल सकते हैं। अगर हम कुछ एग्जाम्पल कोट करना चाहें यहाँ पर तो एक है मार्बल, क्वार्ट्जाइट, नेइस, स्लेट, शिस्ट, ये सारे जो है ये वेरी कॉमन स्टोन्स हैं जो कि मेटामॉर्फिक ओरिजिन के हैं, मेटामॉर्फिक रॉक है। इसमें से हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्बल, क्वार्ट्जाइट और नेस तो बहुत अच्छे बिल्डिंग स्टोन्स हैं और हमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर में इनको यूज करते हैं।